नमस्कार दोस्तों, मैं राजू आप सभी का स्वागत करता है YouTube के राजू टेक चैनल में। इस वीडियो में हम बात करेंगे ज्वेलरी वेस्ट बंगाल जो ज्वेलरी है उसके बारे में। पहले तो आप मेन साइड में चले आइए वेस्ट बंगाल एम्प्लॉयमेंट बैंक .gov.in। उसके बाद यहाँ न्यू जॉब सिकार में क्लिक कीजिए। उसके बाद नीचे चले आइए, यहाँ टिक मार्क लगाइए, एक्सेप्ट कंटिन्यू कीजिए। यहाँ आपको पूरा पेज खुल जाएगा, एक एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा। पहले यहाँ अपना नाम डाल दीजिए, उसके बाद आपको फादर नेम या मदर नेम जो भी डाल दीजिए। स्पाउस नेम में ब्लैंक छोड़ दीजिए। यहाँ अपना सेक्स चॉइस कर लीजिए, जो भी सेक्स है, मेल फीमेल जो भी है चॉइस कर लीजिए। या अपना कास्ट जो भी है सिलेक्ट कर लीजिए, या रीजन जो भी है आप सिलेक्ट कर लीजिए। मैं एड्रेस सेलेक्ट कीजिए, यहाँ डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कीजिए। यहाँ आपको पूरा एड्रेस डाल दीजिए, जो भी एड्रेस है स्टेट चॉइस कर लीजिए। आप वर्धमान कहते वर्धमान चॉइस कर लीजिए। उसके बाद जो भी है चॉइस कर लीजिए, आसनसोल। आपको पिन कोड चॉइस कर लीजिए, ठीक है। पहले चलाइए, जो भी आपका क्वालिफिकेशन है डाल दीजिए। अगर 10+2 में है तो डाल दीजिए, मैट्रिक है तो डाल दीजिए। अब अगर आपको 8 पास है तो 8 पास भी डाल दीजिए। 10+2 आर्ट्स में है तो डाल दीजिए। आपका ईयर पासिंग डाल दीजिए, आपका परसेंटेज डाल दीजिए। दूसरे ऐड में क्लिक कीजिए, या आपका मैट्रिक डाल दीजिए, यूनिवर्सिटी भरे डालिए, सेकेंडरी ईयर पासिंग दे दीजिए 2013। अगर आपके कोई और भी क्वालिफिकेशन है तो यहाँ टैप, अगर आपको बस और भी क्वालिफिकेशन आते हैं ऐड क्लिक करके आप वहाँ डाल सकते हैं। लैंग्वेज में चले आइए, जो भी लैंग्वेज जानते हैं पहले सेलेक्ट कर लीजिए। बंगाली रेड राइट स्पीक, दूसरा सेलेक्ट कर लीजिए हिंदी। जो भी जानते हैं तीसरा सेट कर लीजिए इंग्लिश। ये अपना हाइट दे दीजिए, जो भी हाइट है 173। वेट जो भी है का चेस्ट डाल दीजिए। ये जो सेक्शन है ये वो इम्पोर्टेंट है, आप ठीक से कर लीजिएगा। पहले जो सेक्शन है फोटो का, यहाँ फोटो स्कैन कीजिए, उसके नीचे सिग्नेचर, फोटो के नीचे सिग्नेचर एक पेपर में रख के, जो पेपर A4 साइज पेपर होते हैं वहाँ रख के पूरा फोटो सिग्नेचर की स्कैन कीजिए पूरा। उसके बाद यहाँ अपलोड कीजिए। दूसरे जो सेक्शन है CV का, एक वर्ड फाइल में CV बनाइए डाटा में, वहाँ अपलोड कर दीजिए। ये तो एक्सपीरियंस का है तो ब्लैंक छोड़ दीजिए। दूसरा है तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन, यहाँ आपका रेसिडेंट जो भी है, रेशन कार्ड, वोटर का, पासपोर्ट जो भी है डाल दीजिए। उसका यहाँ नंबर डाल दीजिए आपका, अगर BPL में है तो BPL डाल दीजिए, नहीं तो बैलेंस छोड़ दीजिए। आधार नंबर डाल दीजिए, यहाँ जो कैप्चा है कैप्चा पूरा डाल दीजिए, उसका चेक मंगला के सबमिट कीजिए। से सबमिट कर लीजिए। सबमिट के बाद एक प्रिंट आउट निकलते हैं, एक प्लेन A4 पेपर में प्रिंट आउट कीजिए, 2 पेज में कीजिएगा। जब का प्रिंट आउट निकलेगा उससे आप लेके
जो नज़दीकी एक्सचेंज एम्प्लॉयमेंट बैंक है वहाँ जमा कर दीजिए पूरा फुल डॉक्यूमेंट्स लेके, आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है उसको लेके जाइए और साथ में एक बायोडाटा लेके जाइए, वहाँ जमा कर दीजिए। जमा करने के बाद आपके मोबाइल में एक SMS आएगा, आपको उसमें आपका ID रहेगा और पासवर्ड रहेगा, बाद में आप लॉगिन कर सकते हैं। आपका कोई अगर आपको कोई दूसरा क्वालिफिकेशन ऐड करना है तो वहाँ आप लॉगिन करके ऐड कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा।